हंडिया में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने भडंग शाह बाबा दरगाह रोड की स्वीकृति मिलने पर कृषि मंत्री कमल पटेल का तुलादान किया। वहीं से कार्यक्रम में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी को सदस्यता दिलाई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने फूल माला एवं भाजपा का दुपट्टा पहनकर मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हंडिया में हिंदू मुस्लिम एकता समिति के नेतृत्व में तुलादान का कार्यक्रम किया गया, जिसमें समिति ने मेरा तुलादान किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने भाजपा की सदस्यता ली। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सभी ने भाजपा को जिताने का संकल्प लिया है। मैं सभी का प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज की ओर से स्वागत करता हूं और मैं सभी को यह विश्वास दिलाता हूं कि सभी का विकास होगा। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी अध्यक्ष प्रहलाद सिंह खत्री ने कहा कि मेरे साथ में सभी मुस्लिम भाइयों ने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ही विकास का काम कर रही है, इसलिए हम बीजेपी के साथ जुड़े हैं। आज हंडिया हिंदू मुस्लिम एकता समिति के नेतृत्व में आज मेरा तुलादान का कार्यक्रम किया और मुस्लिम समाज में भाई रफीक अंजुमन अंसार भाई और गब्बर और अनीस और इन सबके नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने प्रयास करके मुस्लिम समाज के लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दी। तो बड़ी संख्या में मुस्लिम आज इंडिया के लगभग 80% मुस्लिम समाज के लोग भाजपा में शामिल हुए हैं और आज मेरे साथ प्रभावित हमारे पार्टी के नाते बीजेपी के साथ में सभी हमारे मुसलमान भाई आज भाई कमल जी पटेल के समक्ष बीजेपी ज्वाइन कर लिए। इन्होंने सब ने कांग्रेस छोड़ के और आज बीजेपी में आए हैं। हम इनका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं और इनका स्वागत करते हैं और इनको इसलिए ये इस पार्टी में आए हैं कि इनका सब काम बीजेपी पार्टी कर रही है। इनके आवाज़ बना, इनके लेटरिन बाथरूम बनी, इनके यहाँ पे जो भी अगर सरकार की नीति नीति का काम आता है वो इन लोगों को फायदा हुआ है, इसलिए सभी लोग हमारे साथ जुड़ के और आज बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। बहुत उनका कार्यकाल सब अच्छा बढ़िया है और जो भी काम आता है वो हमको मिलता है और पार्टी का सब पूरा काम होता है और बीजेपी से हमने कांग्रेस छोड़ दी। जो भी योजना सरकार की चल रही है वो हम कमल पटेल जी के उसमें उनके कार्य के प्रभावित होते हुए बीजेपी की सदस्यता ली। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements. Atal Incubation Center for nurturing startups. Industry Academia collaboration for exposure of real industry world. 20 centers of excellence for research. Saathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।